स्वागत है। और आज ये चलानों को जी इतनी कीमतें बढ़ाई हैं सिवाय भ्रष्टाचार बढ़ाने के और कुछ नहीं है। आज हमारे ट्रांसपोर्ट जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा पैसा देता है, सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, मुझे नहीं समझ आता ये सरकार क्या सोचकर इस रीढ़ की हड्डी पर कुठाराघात कर रही है। मैं समझता हूँ अगर समय रहते सरकार नहीं चेती तो ये विरोध और उग्र रूप धारण करेगा और पूरे देश में ये फैलेगा। और सरकार लगता है दिक्कत कहाँ है, नियमों में कहाँ ज्यादा दिक्कत? सबसे ज्यादा दिक्कत भ्रष्टाचार को बढ़ावा। हाँ, क्यों लगता है ऐसा कि भ्रष्टाचार इससे बढ़ेगा? इसलिए बढ़ता है, ये सिर्फ आप तो रोड पे आप जब चल के देखे कितनी बड़ी परेशानी है। करप्शन पहले भी थी, पहले 3000 का चलान था 200 रुपए देते थे, आज 25000 का चलान है तो कम से कम 5000 मांग रहे हैं। वो सबसे बड़ा करप्शन का मामला है। लेकिन अगर आप फॉलो करेंगे तो फिर आपका फॉलो कैसे करेंगे? वो फॉलो करेंगे करप्शन कर रहे हैं या स्ट्रिक्टली इसको लागू करें या करप्शन आए और इतना बड़ा बढ़ावे की क्या जरूरत है? 500 का 1000 कर देते इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है? क्या चाहती है सरकार हमसे? कुछ राज्यों में जो बीजेपी की सरकार वापस तो पता कि हमने गलत कानून पास कर दिया है। इससे सिर्फ ट्रांसपोर्ट दुखी नहीं है, आम जनता भी दुखी है। सबसे ज्यादा हरेसमेंट आम जनता को है क्योंकि तो जिसकी बाइकिंग की मुझे 15000 या 20000 का फाइन कैसे भर देगा? तो फाइन बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दिए हैं और उसके बाद जो दिल्ली में दिक्कत आ रही है, हमें जो टैग आ रहा है फील्ड टैग लगा दिया, दिन प्रतिदिन माफी दाई जाओ, इंश्योरेंस ना कराओ। पहले जो हमारी सब्जी की गाड़ी आती थी उस पर कोई टैक्स नहीं था, वो इसेंशियल कमोडिटीज है, दूध पे कुछ नहीं था, लेकिन आज वो पर्ची काट रहे उस सब्जी की सबके पैसे जमा कर रहे हैं, कह रहे रिफंड करेंगे लेकिन कोई रिफंड नहीं। और ऑनलाइन मेरे पास जो एक मोदी सरकार के पास कोई मंत्री काम का नहीं है कि बिना सोचे, बिना हमें उसके अंदर हमारी सलाह लिए, बिना हमसे मशवरा किए इन्होंने नया मोटर व्हीकल एक्ट पास किया है, जिसके अंदर कि इन्होंने इंश्योरेंस भी जो है वो लिमिटेड कर दी है। आज एक ट्रक का मालिक जो स्वयं रोजगार करता है वो कहाँ से क्लेम देगा? आज उसकी इंश्योरेंस कई गुना बढ़ चुकी है। मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चेतेगी तो ये विरोध और बढ़ेगा और इस विरोध में ये सरकार को, मैं समझता हूँ जो लेके प्रचंड बहुमत लेके आई है तो ये सरकार को धराशायी होते समय नहीं लगेगा। ये जो मैं पकड़े हूँ घुमरी होगी, ये ऐसा है जो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जुर्माने लगाए हैं वो ये अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप वगैरह से उठा के लाए भाई जी। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका, इंग्लैंड की आमदनी कितनी है पहले ये भी नोट करें। वहाँ पे 2.5-3 लाख-4 लाख से कम किसी की आमदनी नहीं है, उसी रेशो से उन्होंने चलान लगाए हुए हैं, जुर्माने लगाए हुए हैं। हमारे यहाँ पे 48% लोगों की आमदनी सिर्फ 10,000 मात्र है और 10,000 मात्र में वो 20-20 हजार का चलान कहाँ से भरेंगे? सड़कें कितनी खराब है। आप जो है एकदम से आप ऐसे लगा दिया जैसे अंग्रेज कभी लगान लगाते थे पर वो जनता से पूछते नहीं थे कि तुम्हारी जेब में रुपया है या नहीं है, वो एकदम से लगान लगा देते थे इतना रुपया गवर्नमेंट पब्लिक को देना ही देना है। आज वो ही उसी लाइन के ऊपर बीजेपी सरकार चल रही है और उसी सिद्धांतों को देख रही है। अगर इसी तरीके से ये करते रहे रेगुलर तो वो दिन दूर नहीं कि बीजेपी का घमंड भी दूर हो जाएगा, वो इनका घमंड भी दूर हो जाएगा। आज जो जिस जोरदार तरीके से जनता ने इनको अगर जीत के आए हैं उतने ही जोरदार तरीके से सरकार को उतार के नीचे भी गिरा सकते हैं। अगर ये गरीबों का ध्यान नहीं रखेगी, मतलब सरकार का कहना कि इस तरीके के फैसलों का ज्यादातर समर्थन मिल रहा है, जब समर्थन मिल रहा है कोई सरकार बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कोई समर्थन नहीं है। जो इंश्योरेंस कंपनी का गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी वालों ने कैपिंग कर दी है, 5 लाख हम देंगे, अगर उसका कोर्ट से उसको 50,000 अवार्ड होता है या करोड़ हो जाता है तो इसका मतलब मालिक के अपना घर बेच के जो कैपिंग 5 लाख में की है अपना घर बेच के बाकी उसको पेमेंट देगी। जब हमारे पास अनलिमिटेड इंश्योरेंस का प्रीमियम ले रहे हैं तो उसके ऊपर कैपिंग का मतलब क्या? हाँ, ये एक मुद्दा हमारा ये भी है, वो जो ये चलान का मुद्दा है वो है। तीसरा जो है अपना गवर्नमेंट 1100 कितने करोड़ में हमारे से पार्किंग चार्ज ले बैठी है, मगर अभी तक दे आर नॉट गिवन सिंगल इंच ऑफ साइड फॉर द पार्किंग ऑफ बसेस, ट्रक, ऑटो, थ्री व्हीलर्स। अच्छा, ग्रीन टैक्स का बताता हूँ। ग्रीन टैक्स जो गवर्नमेंट ने लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ट्रायल बेसिस पे लगाया था कि ग्रीन टैक्स जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है दिल्ली के अंदर, तो एक ट्रायल बेस पे 3 महीने के लिए ग्रीन टैक्स को लगाया गया था, जबकि अब पेरिफेरल रोड बन गया है, आउटर दिल्ली का रिंग रोड बन गया है,
बाहर की गाड़ी कोई दिल्ली के अंदर आती नहीं है, तो आप उसे जो 2600 रुपए का आपने ग्रीन टैक्स लगाया था, जिसके ऊपर कम से कम 1500 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार वसूल कर चुकी है, और 8700 करोड़ जो है इकट्ठे वसूल कर चुकी है, और बताइए कि उसका कोई कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसकी बेहतरी के लिए कुछ कर नहीं रही है, कि पोल्यूशन को कैसे कम करें, ट्रायल बेसिस को आपने परमानेंट कर दिया। अच्छा, ट्रांसपोर्ट को लेकर नियम तो आए हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि पहले से ही रोड पर कहीं ना कहीं अवैध वसूली भी की जाती थी, इस तरीके का रोड जब गडकरी जी आए थे सरकार में, बीजेपी आई थी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने थे, इन्होंने ये कहा था कि हम दिल्ली के अंदर 6 महीने से पूरी हिंदुस्तान के अंदर से 6 महीने के अंदर RTO हटा देंगे, ये कहा था भाइयों का, नहीं कहा था 6 महीने में हटा देंगे, लेकिन RTO आज तक नहीं हटे हैं। उसकी वजह ये है कि अवैध वसूली जो वो करते हैं उसका हिस्सा ऊपर तक जाता है, इसका मतलब सरकार भी इसमें संलिप्त है, इन्वॉल्व है, ऊपर तक उसका हिस्सा जाता है। भ्रष्ट है ये लोग, जो ये भ्रष्टाचार विरोधी सरकार की बातें करते थे कि हम जो है पूरा हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है एक मुहिम में लड़ा देंगे, आज सिर्फ चेहरे बदल गए हैं, भ्रष्टाचार जू का तू है और उससे बल्कि बढ़ गया है, ज्यादा हो गया। सरकार के जो वादे थे भ्रष्टाचार को लेकर, हाँ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं एक बार से चेतावनी देता हूँ सरकार को कि घमंड में ना आए, अहंकार में ना आए, यही पब्लिक उतारेगी और यही पब्लिक ने चढ़ाया था। बोले सोनिया, देश के मुताबिक जो भी चलाने की पावर दी हुई है वो ADM या अपना ACP को दी हुई है, तो यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेबल है, उसके पास कमर्शियल का कोई चलान करने की पावर नहीं दे रखी, ना सब इंस्पेक्टर ना ASI को, वो जबरदस्ती धक्के से काम करते हैं, नहीं तो हम तुम्हारा गाड़ी का चलान करवाएंगे, गाड़ी बंद करा देंगे, इसके लिए जहाँ पहले दूसरे मान जाते थे, आज का 5000 गाड़ी बंद हो गई तो कम से कम 1 लाख में जुर्माना होगा, तो कोई भी ट्रांसपोर्ट भाई अपने रोटी रोजी बचाने के लिए कहता भैया ये ले 500 ले, 1000 ले, 2000 ले, हमारे को जुल्म के मुताबिक छोड़ दे, कांस्टेबल जिसके ये पावर 25000 रुपए और 6 लाख के चलान की धमकी है, ADM को दी है, कोई करे चलान तो हम लोग ठीक है, ACP बैठा होगा वो पूरा जस्टिफाई करेगा ये चलान गलत हो रहा है ठीक हो रहा है, ASI भी थोड़ा सोच समझ पढ़े लिखे हैं, तो ये नहीं कि कांस्टेबल बना हुआ है वो 10th पास नहीं है तो कांस्टेबल बन गया, वो कहता भैया आज मुर्गा हमारे पास आ गया, इस मुर्गे को हलाल कर दो, ये हमारी गवर्नमेंट से अनुरोध है कि ये पावर वापस लीजिए, वो जो ASI वो ACP को यूज करो। सारे बहुत गुस्सा नितिन गडकरी का पुतला फूका जा रहा है, गडकरी का, नितिन गडकरी का, गडकरी मर गया, गडकरी मर गया, गडकरी मर गया, गडकरी मर गया, मोदी मर गया, मोदी मर गया, गडकरी 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 मर गया, मोदी मर गया, नचलो दुनिया, नचलो दुनिया, नचलो दुनिया, मोदी मर गया, गडकरी मर गया, इसका चौथा हो गया, चौथा हो गया, गडकरी मर गया, गडकरी मर गया, मोदी मर गया, मोदी मर गया, गडकरी 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 मर गया, भैया ये गडकरी साहब फूंक रहे हैं भाई, मोदी नाम सत्य,
गया मोदी, हाय मर 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 गया केजरीवाल, हाय मर गया केजरीवाल, हाय मर गया केजरीवाल, हाय मर गया केजरीवाल, हाय बैठ गया रोलो मोदी जी।